अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो माय नेम इज़ डॉक्टर महा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आज क्वेश्चन पे बन रही है, वो है जी हेयर फॉल। हेयर फॉल का मसला किसको नहीं है? अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आजकल फीमेल्स को ये मसला हो, बल्कि बहुत अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि मर्द हज़रात को भी ये मसला अब रहना शुरू हो गया है कि हेयर फॉल होता है हमारा। अच्छा, इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। आजकल तो एक बहुत कॉमन रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से, कुछ स्ट्रेस इंड्यूसर्स हैं उसकी वजह से कॉमनली तौर पे देखा जाता है कि सबसे पहला इफेक्ट जो हमारी बॉडी में पड़ता है वो होता है जी हेयर फॉल। तो इस वजह से मैं आज एक बहुत मज़े का प्रोडक्ट आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ और वो है एक शैम्पू। उसका नाम बताएंगे, उसके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे कि आखिर हम क्यों उसको क्लेम करें कि वो बहुत अच्छा शैम्पू है। वो इस्तेमाल करने से कंपनी ये बेसिकली क्लेम करती है कि आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो सकता है, साथ साथ ही आपका डैंड्रफ ट्रीट हो सकता है और उसके साथ ऑयल की प्रोडक्शन यानी कि जो सीबम की प्रोडक्शन है, जब ऑयल की प्रोडक्शन रिड्यूस होती है तो इसकी वजह से ये देखा जाता है कि हेयर की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और हेयर फॉल जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल्ड भी हो जाता है। अच्छा जी, तो मैं जिस प्रोडक्ट की आज बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उसका नाम है पायरोक्स शैम्पू। बेसिकली एक शैम्पू है और ये 120 ml की बॉटल आती है, यानी कि एक महीना आराम से आपका जो है वो इसको यूज करके गुजर सकता है। ये किस कंपनी का है? ये है क्रिस्टलाइन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऑथेंटिक कंपनी है, क्योंकि मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती हूँ, उन कंपनीज को देखती हूँ जो कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी डिस्क्रिप्शन नहीं पता या उनके अंदर के मौजूद इंग्रेडिएंट्स का हमें आइडिया नहीं है, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये एक चीप बॉटल है। यूजली देखा जाता है कि इस तरह की मेडिसिन या इस तरह के शैम्पूज बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 500 के अंदर अंदर है। तो इस वजह से आप इसको ईजिली परचेज भी कर सकते हैं और एक महीना ये आराम से आपका गुजर जाएगा इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करके। अच्छा जी, तो आप देखते हैं इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मौजूद है वो है बेसिकली पायरोक्टोन ओलामीन। अच्छा जी, अब इसका क्या फायदा होता है? इससे ये होता है कि हमारे तमाम फंगल इन्फेक्शंस को ये ट्रीट करता है। अक्सर हमारी स्किन पे, हमारी स्कैल्प पे, सर के अगर कोई फंगल इन्फेक्शंस होते हैं तो उसकी वजह से ही डैंड्रफ होती है और वही एक बहुत बड़ा रीजन बनता है हेयर फॉल का। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मौजूद है, इसकी वजह से हमारी जो फंगल ग्रोथ है वो बहुत हद तक प्रिवेंट होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मौजूद है वो है ट्राइमिनोक्सिडिल पेंटोथेनॉल। इसका क्या फायदा होता है कि ये हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये बहुत एक अच्छा केमिकल है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इसको इस्तेमाल करने से जब ये हमारे बालों में जाता है, स्कैल्प में जाता है और हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो हमारी जो हेयर की प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है और ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही हमारे बालों का टेक्सचर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और इसके साथ ही बहुत स्ट्रांग भी हमें महसूस होते हैं। अच्छा जी, और लास्टली जो चीज इसके अंदर मौजूद है वो है विटामिन ई। अब विटामिन ई के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे, इससे फेमिलियर होंगे कि इसके भी कैप्सूल स्पेशली मिलते हैं जो कि तोड़ के कहते हैं कि या तो आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें या बालों में कर लें। तो ये एक ही प्रोडक्ट है जिसके अंदर विटामिन ई भी आपको साथ में मिल जाएगा और विटामिन ई का फायदा यह है कि ये हमारे बालों को कंडीशनिंग इफेक्ट देता है, उनको सॉफ्ट बनाता है और इसके साथ ही हमारे बालों के अंदर जो मौजूद नेचुरल कैरेटिन होता है ये उसको मेंटेन करके रखता है। अच्छा, कैरेटिन का बड़ा मजे का रोल है, जो हम अक्सर ये देखते हैं कि बालों का रंग अक्सर ये देखा जाता है कि जवानी में ही सफेद बाल होने लग जाते हैं या बालों की डिसकलरेशन शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे विटामिन ई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन ई लेने की वजह से हमारे बालों का जो रंग है वो भी ज्यादा टाइम तक मेंटेन रहता है, उसकी डिसकलरेशन नहीं होती और साथ साथ ही उसका टेक्सचर जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको इस्तेमाल करने का ये तरीका है कि पहले आपने अपने बालों को रिंस कर लेना है वार्म वाटर के साथ, उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लेके इसको जो है वो अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट पर लगाएं बालों में एंड देन उसको छोड़ दें, लीव इट फॉर 2 to 3 मिनट एटलीस्ट, और उसके बाद जो है वो अपने बालों को वॉश कर लें ताकि उसका इफेक्ट सही से आपके बालों में आ सके। और फिर मुझे जरूर बताएं एटलीस्ट 1 month इस्तेमाल करने के बाद कि आपको किस तरह का लगा, इसको लेने के बाद आपको क्या चेंजेस महसूस हुए और आपके हेयर फॉल में कमी हुई कि नहीं हुई। तो ये प्रोडक्ट है जी क्रिस्टलाइन फार्मास्यूटिकल्स का, इनका नंबर भी मैं इधर लिंक में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर, डिस्क्रिप्शन पहले पढ़े अच्छे से देखें एंड अगर आपको लगता है कि आपके काम में आ सकता है तो जरूर ऑर्डर करिए। और इन केस इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।